next is activity 2. Read the poem carefully to yourself. Mark any words you don't understand. It means you have to read the poem very carefully and mark those words which you don't understand. Use a dictionary or in the internet or your classmates who know to help you to understand each word and idea in the story. It means you can take any help of your dictionary, internet or classmates or friends or family who may help you to understand each word and idea of this poem. Now this poem is written by Rabindranath Tagore and topic of the poem given here is Where the Mind is Without Fear. So first of all, can you see any question mark given in the next in the end of the sentence? क्या यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है तो लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है? नहीं. क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है ये एक फ्रेज है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज. ठीक है. सो अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पोएम की. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. तो इसका आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक स्केच दिया हुआ है जहाँ पे एक लड़की जो है वो बैठी हुई है और एक पोएम लिख रही है. ठीक है. अब वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो इसका मतलब ये है कि वेयर अ माइंड मैन्स माइंड इज फियरलेस एंड ही कैन लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट. इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए. हमें मतलब हमें किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बिना डरे और हमारा जो सर है वो हेल्ड हाई. हेड इज हेल्ड हाई मतलब हमारा जो सर है वो हम हमेशा उठा के हम जी सके. ठीक है. मतलब विद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम अपने सर उठा के जी सके. तो इसका हम फर्स्ट लाइन का मतलब यही है. जैसे मैं अभी आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना बीमारी फैल चुकी है, इससे क्या हुआ है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है. तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि जैसे अभी आपको किसी चीज़ से आपको डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है एनिमल्स, या फिर किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ जी जो है वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें जो है बिल्कुल फियरलेस होके जीना चाहिए. ठीक है. यानी बिना डरे और सर उठा के बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हमें जीना चाहिए. तो फर्स्ट लाइन में ये बोला है. सेकेंड लाइन में वेयर नॉलेज इज फ्री, तो वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान. ठीक है. और यहाँ पे रविंद्रनाथ ये बोल रहे हैं कि नॉलेज शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमें जो ज्ञान देना चाहिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए इसके. ओके. नेक्स्ट है अभी वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो इसका मतलब ये है कि वेयर द वर्ल्ड मतलब जहाँ पे वर्ल्ड मतलब दुनिया हैज़ नॉट बीन यानी कि जो ब्रोकन मतलब जो टूटी हुई ना हो. ठीक है. इनटू फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस में. ठीक है. और बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि लोगों की जो प्रेजुडाइसेस एंड सुपरस्टिशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी लोगों का जो सोच है. ठीक है. और सुपरस्टिशियस मतलब जैसे इट इज़ रिलेटेड टू, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो हम अपने समाज के अंदर जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं, ये वो दीवारें नहीं हैं जो घर के अंदर दीवारें होती है. ये वह दीवारें का मतलब वो होता है जो कि रिचुअल्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कहीं जगह पे वो सही होते हैं तो कहीं जगह पे वो गलत होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक वॉल्स जो होते हैं कुछ गलत होते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम वो उस गलत को, ठीक है, उस गलत को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये डिनोट करता है जो अभी हमारे वर्ल्ड में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है. मतलब जैसे
ओपिनियन होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि जो लोग हैं वो छोटे छोटे पीस में, तो अलग अलग होके ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस थर्ड पैराग्राफ में ये बोला है, फोर्थ में है वेयर वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। तो इसका मतलब ये है कि वेयर द वर्ड्स ऑफ ट्रूथ कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट एंड आर स्पोकन आउट करेजियसली इन पब्लिक फॉर द वर्ल्ड टू हियर। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम जो हमारे मन में, यानी कि हम जो जीवन में कभी कभी क्या होता है कि हम झूठ बोल देते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे मन में होता है वो हम बाहर नहीं बताते, जो सच्चाई हमारे मन में होती है उसे हम बाहर दुनिया वालों के सामने हम नहीं बताते हैं, वो हम अपने अंदर ही रखते हैं। तो इसमें ये बोला है कि जो भी हमारी सच्चाई है, जो भी हम, मतलब जो हम रियल है, वो हमें बाहर शो करना चाहिए, ठीक है, और वो भी बिल्कुल करेजियसली, मतलब पूरी हिम्मत से हम जो अंदर है वही हमें वो बाहर दिखाना चाहिए, ठीक है। और रविंद्रनाथ जी ये कल्पना करते हैं कि हम ऐसे इमेजिनेशन या ऐसे वर्ड्स की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे सबको सच बोलना चाहिए, सबको अपना रियल फेस दिखाना चाहिए, ठीक है, ना कि झूठा फेस दिखाना चाहिए, जैसे मन में कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है। तो इसका फोर्थ पैराग्राफ का मतलब ये होता है। अब फिफ्थ पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी वर्ड्स की कल्पना की गई है जहाँ पे टायरलेस मतलब बिना रुके या बिना थके, और स्ट्राइविंग मतलब बहुत सारी मेहनत करना, और यहाँ पे बोला है स्ट्रेचेस मतलब खिंचाव, मेहनत, हमें इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए बिना रुके और बिना थके, और ताकि हम उस मेहनत को इतना ज़्यादा खींच सके, इतना ज़्यादा हम बढ़ा सके उसको, ताकि हम किसके तरफ जाए, टूवर्ड्स मतलब किसके तरफ जाए, परफेक्शन की तरफ जाए, ताकि हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सके, ठीक है। तो ये था फिफ्थ पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको सिक्स पैराग्राफ का बताती हूँ, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी पहले क्या बोला है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे टू कट थ्रू दिस कॉम्प्लिकेंसी एज वाटर कट्स थ्रू सैंड रेदर देन गेटिंग लॉस्ट इन सच एन एबंडेंस ऑफ सैंड। यानी यहाँ पे जो क्लियर ऑफ रीजन है वो ये बता रहा है कि जो भी हमारी स्पेशलिटी है वो कहीं हमसे खो ना दे, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है कि जिस यहाँ पे दिया हुआ है, हैज नॉट लॉस मतलब उसको हम लॉस, मतलब हमारी जो रीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को ये दर्शाता है, इसका मतलब हमारी मानवता की जो दृष्टि होती है, ठीक है, और जो मतलब क्लियर, जो एकदम साफ, उससे हम एक खो ना दे। हम किसने कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डियरी डेजर्ट सैंड, और ये जो डियरी डेजर्ट सैंड और डेड हैबिट, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, इन दोनों को जैसे डियरी डेजर्ट सैंड और डेड हैबिट, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है, किससे, क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया है। तो डियरी डेजर्ट सैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे वेर हमें कोई वेर देयर इज नो गेन, ओके, और डेड हैबिट मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं वो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ओल्ड ट्रेडिशंस में, यानी जो हमारे पुराने जैसे चलते आ रहे हैं, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक है, बिना सोचे कि हमें इससे क्या लाभ होगा, गेन मतलब उससे हमें क्या लाभ होगा, और इसी की वजह से हम अपनी जो दृष्टि है, मतलब मानवता की जो दृष्टि है, उससे हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो वही तो रविंद्रनाथ ये बता रहे हैं कि हमें उसको जो रियल, जो हमारी जो मानव विजन है ह्यूमैनिटी का, उससे हमें खोना नहीं है, ठीक है। और ये इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है, एंड और पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा के वो केयर करते हैं कि हमें क्या, उन्हें क्या अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये नहीं देखते कि हमें उससे क्या लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट ये है, जैसे मैं शॉर्ट अगर मैं कुछ
the mind is led forward by the into ever widening thought and action. तो अब यहाँ पे जो सेवेंथ लाइन में जो बोला है, तो ये एक ऐसा वर्ल्ड को, ये एक ऐसे वर्ल्ड को दर्शाता है जहाँ पे जो हमारा जो माइंड को वो बढ़ा सके. वाइड मतलब बढ़ाना, ठीक है, जहाँ पे हमारे माइंड को वो बढ़ा सके, हमें सपोर्ट कर सके, मोटिवेट किया जाए, ठीक है, और हमारे और अपने आप का जो हमारे जो थॉट्स होते हैं हम उसको बढ़ाएं, और हमारी जो इमेजिनेशन है हम उसको बढ़ाएं, और हमारे जो एक्शंस हैं हम उसको भी बढ़ाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आप उसी लिमिटेड में रहो. मतलब जैसे अभी मैंने आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई है तो आपसे वही पढ़ती हूँ, आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हो, समझ में आया. तो वो क्या होता है कि वो आपके उसी में आप उसी को आप लिमिट में रख लेते हो. तो जितना हो सके आपको उस और ज़्यादा जानना है. जैसे अभी रविंद्र नाथ है, तो जो मैंने पढ़ाया कि हाँ उनका ये बोन हुआ तो उतना नहीं, आपको रविंद्र नाथ की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, समझ में आया. तो जस्ट गो बियॉन्ड, यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है और जो एक्शंस है उससे आपको और ज़्यादा बड़ा करना है, आपको एक्शंस को लेना है, ठीक है. और ये रविंद्र नाथ कंपना ये करते हैं कि जहाँ ऐसी जगह हो जहाँ पे माइंड को एप्रिसिएशन मिले, ताकि वो अपने थॉट को वाइड करे, वाइड मतलब और बढ़ा सके, और अपने एक्शंस को भी वाइड करे, ना कि वो लिमिटेड नॉलेज में रुक जाए, ठीक है. जितना हो सके आपको नॉलेज को क्या करना है, और ज़्यादा कलेक्ट करना है, ना कि उसको अपने अंदर ही रखना है, लिमिटेड में नहीं रखना है, समझ में आया. अब लास्ट है, इन टू डैट हैवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेफ्ट माई कंट्री अवे. अब इस लास्ट में ये बोला है, जैसे मैंने आपको पूरे पोएम में समझाया है कि कुछ हमें नॉलेज, जैसे एक ऐसी दुनिया को, मतलब एक ऐसा जहाँ, एक ऐसी फ्रीडम, यहाँ पे हेवन की बात की है, तो हेवन मतलब स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग, आज़ादी का, ठीक है. हमें ऐसी दुनिया में, मतलब रविंद्र नाथ ऐसा बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे हम आज़ाद रहें, ठीक है, ना इंडिपेंडेंट रह सके, और इन सब से मतलब जो मैं पोएम में जो मैंने आपको पढ़ाया है उन सब से दूर, जैसे लोग जो होते हैं कुछ नैरो माइंडेड होते हैं, तो उन सब से हमें दूर रहना है, ठीक है, और एकदम आज़ादी से रहना है, इंडिपेंडेंटली. एंड माई फादर मतलब गॉड अलमाइटी, यानी भगवान जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, ठीक है. और लास्ट में है लेट माई कंट्री अवे, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कंट्री को जो जहाँ पर हमें फ्रीडम मिले, ठीक है, जहाँ पर हम दूसरा दिन सूरज को देख सकें, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमें आज़ादी जैसे एक दुनिया हो जहाँ पे हम स्वर्ग की दुनिया हो, जहाँ पे जहाँ पे नॉलेज भी मिल सके, जहाँ पे हम बिना डरे और बिना रुके हम जो है अपने सर उठा के जिए, ठीक है, और जो भी दीवारें खड़ी की है उसको हम तोड़कर हम एक अच्छी दुनिया में जा सके, मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुँच सके, ठीक है. और जो जैसे हम और दूसरा जो है ट्रूथ, मतलब जो हम रियल फेस हैं वही दुनिया को दिखाएं, ना कि जो वर्चुअल इमेज है वो नहीं दिखानी, हमें अपना रियल इमेज दिखानी है, ठीक है. तो यही बोला है इस पोएम में, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बताती हूँ. सो इन द नेक्स्ट पेज नंबर 4 इट हैज़ गिवन न्यू वर्ड्स, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी. तो आपको मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखकर दे दिया है ऑलरेडी, तो ये जो है मीनिंग्स आपको अपनी इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है, ठीक है.